आपको सात्विक डिशेस बहुत ही टेस्टी बनाना सिखाऊंगी। ये मेरे चैनल का पहला वीडियो है और मैं आज आपके लिए सात्विक कटलेट बनाने जा रही हूँ। तो चलिए हम बनाते हैं सात्विक कटलेट। सात्विक कटलेट के लिए जो सामग्री की ज़रूरत है वह इस प्रकार है। 2 उबले आलू हैं, 1 गाजर है ग्रेट की हुई, 1 मूली ग्रेट कर रखी है, लगभग 2 कटोरी ओट्स है प्लेन ओट्स, हरा धनिया पत्ता है काट के रखा है, करीब 100 ग्राम हरी मटर है बॉयल, और 1 कैप्सिकम है छोटा, नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च, आप अगर हरी मिर्च चाहते हैं तो हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं इसमें। आजकल बाजार में कच्ची हल्दी आ रही है, वो कच्ची हल्दी ग्रेट करके रखी है। अदरक है 1/2 स्पून, 1/2 टेबल स्पून भुना जीरा है पिसा हुआ, और 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च है। कटलेट बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो ग्रेट किया है हमने मूली, एक बाउल में ये सारा एक साथ मिक्स करना है। मूली, इसमें ये गाजर डाल दिया, ये मैंने मूली और गाजर जो ग्रेट करके रखी थी ये मिक्स कर लिया है। इसमें ही अब हम इसमें सारा आइटम मिक्स करना है, जितनी मैंने आपको दिखाई थी सामग्री वो सारा एक साथ मिक्स करना है। अदरक सबको एक साथ मिला लेंगे, कैप्सिकम ये हाथ से मिक्स करना है। क्योंकि मूली है इसलिए मूली थोड़ा सा पानी छोड़ती है, इस वजह से हम इसको इसमें ओट्स डालते हैं, तो ओट्स इसमें पानी इसका अब्सॉर्ब हो जाता है और एक बाइंडिंग अच्छी हो जाती है, जिससे कि अच्छे से कटलेट बांधने में हेल्प करता है। अब ये हमने जितना भी मूली, गाजर, आलू और ओट्स, शिमला मिर्च, ये सबको ऐसे मिला लेंगे अच्छे से। अब इसमें डालेंगे हम अपनी बॉयल मटर, हरा धनिया, मिर्च, काली मिर्च, भुना जीरा, लास्ट में नमक, और इनको एक साथ कर लेंगे मिला के। और जो हमने मिक्सर अभी बनाया था उसका ऐसे शेप में, या जो आपकी पसंद का शेप हो गोल या ऐसे में कटलेट तैयार करना है। ये हमारे कटलेट सिकने को तैयार हैं। अब हम अपनी गैस ऑन करेंगे और तवा चढ़ा के इनको सेलो फ्राई करना है। पहले फुल आंच में हम तवा को अच्छे से गरम करेंगे, प्रॉपर तवा गरम हो जाने दें, फिर इसके बाद थोड़ा सा तवा पे ऑयल ऐसे डालेंगे, इसे चला लेंगे। जब इसमें एकदम धुआं निकलने लग जाए तब हम अपने कटलेट सेकना शुरू करेंगे। अभी इतना गर्म नहीं हुआ है तवा, तो वेट करते हैं। तवा हमारा प्रॉपर गर्म हो चुका है और हल्का सा इसमें ऑयलिंग कर रखी है। अब हम अपने कटलेट इसमें सिकने के लिए लगा देते हैं। सेकने के लिए हमें राइस ब्रान ऑयल ही मैं यूज करती हूँ, ताकि वो ज्यादा हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है, इसलिए राइस ब्रान ही यूज करती हूँ। आपकी इच्छा, आप जो चाहिए वो यूज कर सकते हैं। देखिए हल्का हल्का इसको ऐसे पलट देंगे, गोल्डन होने तक सेकना है। हमारे सात्विक कटलेट रेडी हैं। अब चाहे आप इसको हरी चटनी या सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको सात्विक कटलेट की रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, और आगे भी अगर आप इस टाइप की सात्विक रेसिपी जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे जब भी मैं अपलोड करूँ कुछ भी ऐसी आपके लिए डिशेज तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।